आपका पीठ पर छुरा भोंकना बंद करेंगे जावेद गफ्फारी साहब जब तक आप पूरी तरह से नेस्तनाबूत नहीं हो जाते। दीपक, नेस्तनाबूद होगा इंडिया जो माइनस बात करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं। आपने पारस के कितने कानून में डाला कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करे, लेकिन पारस एक समझदार बच्चा है। पारस, हम बीएंगा पाकिस्तानी आपके वालिद के कत्ल के ऊपर इजहार मजम्मत करते हैं, हम इजहार हमदर्दी करते हैं आपसे। जिसने कत्ल किया है जिम्मेदारी किसकी थी? इंडियन आर्मी की। तो ये कायराना हरकतें क्यों की आपके भाड़े के टट्टुओं ने? लानत ये कायराना हरकतें क्यों की आपके भाड़े के टट्टुओं ने? जावेद गफ्फारी साहब बताइए, जिसने किए मैं उसके ऊपर लानत भेजता हूँ और आप लोगों की प्लानिंग के ऊपर भी लानत भेजता हूँ कि तीन बंदे। अरे मारना है तो सीने पर वार करो ना, पीठ पीछे से क्या वार करते हो? सामने बैठ के कह रहा हूँ ना लानत भेजता हूँ जिसने उसको कत्ल किया और आप लोगों के ऊपर भी। आप गलत बात कर रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन वो कर रहे हैं। क्यों पाकिस्तान को नापाक कहते हैं? पाकिस्तान के अंदर जो रहते हैं वो इंसान है और शहरी है। गलत क्या कर रहा हूँ बताइए? क्या ये त्वरा पूरे ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अपने नाम बदल लिए हैं, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये सब पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू नहीं है? आप इनकी फंडिंग नहीं करते? बताइए, आपने पारस को मिसगाइड करने की कोशिश की, लेकिन पारस को मैं सलाम पेश करता हूं जिन्होंने आपके कान हालांकि भरने के बावजूद भी आपकी जबान नहीं बोली। उन्होंने वही बोला जो उनको बोलना चाहिए। इंडियन आर्मी की, इंडियन हुकूमत की जिम्मेदारी। आप सर्जिकल स्ट्राइक भी भूल गए, कारगिल भी भूल गए, पुरानी की जंगे भी भूल गए, शिमला समझौता भी भूल गए, इसीलिए भीख का कटोरा लेकर खड़े हुए हैं पूरी दुनिया के सामने। वजह बता दें, 1971 में आप लोगों ने तोड़ा पाकिस्तान को, उसकी वजह बता दें। आप लोग करते क्या है? नेगेटिव बात करते हैं, नेगेटिव एजेंडा है आप लोगों का। इंडिया ने जब से बात की है तब भी नेगेटिव बात की है।